अपनी पंडिताई और समाज सेवा के कारण रेवा क्षेत्र में पंडित तोताराम सनाढ्य काफ़ी विख्यात थे। उन्होंने अब नावुआ, बा, नांदी, लौतोका आदि इलाकों में जाकर स्वतंत्र गिरमिटियों के यहाँ पूजा पाठ आरंभ कर दिया। इससे इनके कई अनुयायी यानी फॉलोअर्स बनने लगे और कई सारे मित्र भी बन गए। अब उन्होंने सोचा कि एक एक करके मिलना तो ठीक है, पर अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की रक्षा हो और लोगों की उसमें आस्था बनी रहे। साथ में लोगों में यह हिम्मत बने कि जिस प्रकार प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता सहित वापस अयोध्या लौटे थे, उसी तरह इनके भी दिन फिरेंगे। वनवास काल में जिस प्रकार हनुमान जी प्रभु राम के सहायक हुए, उसी तरह वही हनुमान बाबा इनकी भी रक्षा करेंगे। और उन्होंने रामलीला की आयोजना के बारे में सोची। 1902 में नावुआ जिले में पहली रामलीला की आयोजना की गई। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर यधम यभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर यधम यभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधे सजन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधे सजन। भक्तजनों, जब सीता के खोज में वानर समुदाय समुद्र तट पर पहुंचे, तब देखा अब तो कोई रास्ते नहीं। वे बिचारे तो बैठ गए हारे, दुखी और असहाय। तब ज्ञानी जामवंत ने एक कोने में चुप्पे बैठे हनुमान जी से बोले। क्या बोले? का चुप साध रही बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो यतात तुम पाही, संसार में ऐसा कौन सा कारज है जो तुमसे ना हो पाई। और तब क्या था, राम के नाम का हुंकार भरा और खड़े हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जय श्री राम। जय जय राम बोलो जय सिया राम, जय जय राम बोलो जय। गिरमिट की कहानी।